तब आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं दोस्तों, और मैं आज आप सभी को दिखाने वाला हूं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर चढ़ चुका हूं, और वहां पे किस तरीके से ये RRTS क्रॉस कर रही है वो आप सभी मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरें। देखो अभी फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है और इस पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को ये क्रॉस कर रही है दोस्तों। सबसे पहले हमारे भारत में चलाई जाने वाली रैपिड रेल तस्वीरें देख सकते हो। यहाँ पर अभी मेरठ के अंदर इस पर वर्क चल रहा है तेजी के साथ में, और इधर मेरठ साउथ का स्टेशन बनाया जा रहा है दोस्तों मेरे पीछे, और बहुत ही सुंदर ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भी बनाया है दोस्तों। और पहली बार हमारे देश में चलाई जाने वाली रैपिड रेल जो कि 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी दोस्तों, और ये 82 किलोमीटर का रूट है इस लाइन पर, तो पहली बार यही बनाया जा रहा है। और दूसरा बनाया जा रहा है दोस्तों दिल्ली के सराय काले खां से अलवर जाएगा दूसरा रूट। तो देख सकते हो तस्वीरें कि कितनी बेहतरीन यहाँ का नज़ारा है गाइस, ये देखो क्योंकि पीछे अभी वर्क चल रहा है। ये देखो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को इन्होंने क्रॉस कर दिया है, रैपिड रेल का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है, और मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। तो देख सकते हो ये यहाँ पर इन्होंने जोड़ दिया है, और अब इस पर टीम ये फ्लोरिंग का काम कर रही है जो कि इस पर ये स्टील के गाटर द्वारा इसको जोड़ा गया है दोस्तों। और उधर देख सकते हो वहाँ पर वो लॉन्चर उन्होंने लॉन्च कर दिया है ऊपर, जो कि एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करेगा दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, और जैसे ही उसके उधर जाएंगे तो वो मेरठ साउथ का स्टेशन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। और यहाँ से देख सकते हो ये नज़ारे कुछ ये हैं, और इधर ये मेरठ सिटी के लिए चला जाता है दोस्तों। यहाँ से सारे पिलर, ये अभी दो पिलर बचे हुए हैं, दो उधर के बचे हुए हैं, इनको कनेक्ट कर देने के बाद में लॉन्चर उधर लगी गया है। दो पिलर अभी बीच में लगे हुए हैं, बाकी तो सारे पिलर बन गए हैं। अभी इन पर पियर कैप का काम भी किया जाना है दोस्तों, जब तक इनका फ्लोरिंग भी हो जाएगा, और उसके बाद में फिर ये जब तक ये लॉन्चर वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा मेरठ साउथ के स्टेशन से, ये मेरठ के अंदर जाएगा दोस्तों। ऐसा होते हुए शताब्दी नगर होते हुए ये अंदर निकल जाएगा, और ये मोदीपुरम में जाके दोस्तों एंड हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, और देख सकते हो ये रैपिड रेल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो सारे पिलर बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, और इसको क्रॉस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को ये RRTS क्रॉस कर रही है दोस्तों। ये देख सकते हो रैपिड रेल इसको क्रॉस करेगी, तो यहाँ पर ये दो पिलर बनाए जा रहे हैं, और दो पिलर इसके पीछे हैं क्योंकि ये रेलवे लाइन गुजर रही है यहाँ से। तो ये देखो काम चल रहा है अभी, इन्होंने सेटिंग लगाकर ये पिलर को ऊंचा किया जा रहा है, और वहाँ पर देख सकते हो ये टीम लगी हुई है जो काम कर रही है दोस्तों। और उधर का नज़ारा दिखाते हैं आपको, और देख सकते हो ये जा रही है इंडियन रेलवे, इसको भी क्रॉस करेगी दोस्तों रैपिड रेल। तो दिखाते हैं उधर की साइड में चलकर आप सभी को, पहले इसके नज़ारे ले लो दोस्तों। ये देखो सेटिंग लगी हुई है वहाँ पर, और टीम यहाँ पर ये वर्क कर रही है दोस्तों, ये देख सकते हो। और ये LNT की टीम है, जो कंपनी यहाँ वर्क कर रही है वो है LNT। ये देखो ये पिलर अब जोड़े जा रहे हैं, उस पर भी सेटिंग लगी हुई है उन पर भी, क्योंकि इनमें एक पिलर से दूसरे पिलर को ये कनेक्ट किया जाना है दोस्तों। ये देख सकते हो तस्वीरें, और उस पर पियर कैप बनाया जा रहा है उस वाले पर। बाकी तो ये सारे पिलर बन के कम्प्लीट से ही हो चुके हैं, क्योंकि पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था तो उधर का भी पिलर बचा है, वो दोनों पिलर बचे, और उधर वो देख सकते हो पियर कैप बनाया जा रहा है, तो इनको क्रॉस करवाया जाएगा। तो इनमें बीम डाला जाएगा दोनों के बीच में, इस पिलर के और उस पिलर के बीच में बीम डाल दिया जाएगा, फिर उसके ऊपर से बायोडक्ट बिछाया जाएगा दोस्तों। तो यही सीन है यहाँ का, देखो फाउंडेशन कितनी मजबूती के साथ में बनाते हैं ये, ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो सके दोस्तों। देखो यही है सीन। तो कैसा लगा आप सभी को वीडियो, इन्जॉय करो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से ये रेलवे लाइन को रैपिड रेल क्रॉस करेगी दोस्तों। और अब चलते हैं वापसी, और आपको बता दूं कि ये राइट हैंड वाला ये है दोस्तों
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे इसको क्रॉस करेगी। ये RRTS यानी कि रैपिड रेल दोस्तों, जो हमारे भारत में पहली बार चलाई जा रही है। देख सकते हो किस तरीके से ये क्रॉस कर रहा है। देखो इसका बायोडक्ट, ये जो स्टील के गाटर हैं ये रख दिए गए हैं एक्सप्रेसवे के ऊपर दोस्तों, और इस पर अब फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। और आगे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा मेरठ साउथ का स्टेशन का, उस पर क्या क्या वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पर दोस्तों, तो वो भी आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। सारे पिलर का पियर कैप बन चुका है दोस्तों, और आप बता दूं कि ये लॉन्चर भी लॉन्च कर दिया है ऊपर, जो कि एक पिलर से दूसरे पिलर को जॉइंट करता हुआ दोस्तों ये आगे जाएगा, ये शताब्दी नगर की साइड में दोस्तों। तो देख सकते हो सारे पिलर कनेक्ट कर दिए हैं, अब इन पर बस गाटर लॉन्चिंग की जा रही है दोस्तों। और गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद वे इस पर फ्लोरिंग का काम भी करते चले जा रहे हैं साथ के साथ में। तो देख सकते हो किस तरीके से ये गाटर लॉन्चिंग कर रहे हैं और फिर उस पर फ्लोरिंग का वर्क ये स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हो तस्वीरें आप लोग, और देख सकते हो ये मेरठ साउथ का स्टेशन जो कौन-कौन लेवल है वो बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब इस पर प्लेटफॉर्म लेवल पर काम चल रहा है तेजी के साथ में दोस्तों, और ये है नीचे का पार्ट, तस्वीरें आप लोग देखो। तो आप लोग बताओ कि आप सभी को ये KP संत द्वारा ये रैपिड रेल का कंस्ट्रक्शन आप सभी को कैसा लग रहा है दोस्तों। अच्छा लगे तो हमें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और हमें नीचे कमेंट करके बताएं। ऐसे ही मैं पर डे वीडियोस लाता रहता हूँ आप सभी लोगों के बीच में दोस्तों। तो देख सकते हो ये सारे पिलर कनेक्ट करे जा रहे हैं, अब गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, और गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में देखो फ्लोरिंग का भी काम स्टार्ट हो चुका है, तस्वीर आप लोग देख सकते हो। और हम चल रहे हैं रिटर्न मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन के लिए दोस्तों। तो उससे पहले आपको बता दूं, जैसे ही ये बायोडक्ट ख़त्म होता है वैसे ही हमारे भारत की एक दूसरी डबल, ये क्या नाम है, डबल कंटेनर मालगाड़ी दौड़ेगी दोस्तों। हमारे उत्तर प्रदेश के दादरी से स्टार्ट होगा और ये रेवाड़ी तक ये लाइन जाएगी, और सिंगल लाइन ये ट्रैक बिछा हुआ है, तो उसे भी आप लोगों को आगे दिखाते हैं चल के। तो बने रहिए वीडियो के साथ में दोस्तों, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस KP संत आप सभी लोगों के बीच में पढ़े लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता। तो देख सकते हैं ये फिनिशिंग का काम चल रहा है, इस पर ये बायोडक्ट जोड़ दिया है लॉन्चर ने। अब इस पर क्या क्या वर्क चल रहा है वो आप लोगों को बता दूं कि इस पर एक तो ट्रैक स्लैब इस पर डाले जा रहे हैं, फिर उसके बाद में ट्रैक बिछाया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाए जाने हैं दोस्तों उन पर, ओवरहेड इक्विपमेंट लगा देने के बाद में फिर ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाएगा। तो अभी काफ़ी सारा काम है दोस्तों, क्योंकि ये लाइन आपको बता दूं कि दोहाई से और ये मेरठ के बीच में सन 2025 में चलाई जानी है दोस्तों। तो अभी काफ़ी टाइम है, अभी 2 साल का वक्त है, अभी तो 23 ही चल रही है। तस्वीरें देख सकते हो, सारा बायोडक्ट इन्होंने क्लियर कर दिया है। और आपको बता दूं कि दोस्तों यहाँ पर ये हाइट इसलिए देखने के लिए मिलेगी कि इंडियन रेलवे की डबल डेकर मालगाड़ी गुजरेगी यहाँ से, हमारे उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर और रेवाड़ी तक जाएगी, सिंगल लाइन बिछी हुई है दोस्तों। तो देख सकते हो ये यहाँ पर ब्रिज बनाया गया है डबल डेकर मालगाड़ी के लिए दोस्तों, और इसके भी मैंने आप लोगों को अपडेट दिए, नहीं देखे आप लोगों ने तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप सभी को देख लेना। तो दोस्तों आप लोग बताओ कि वीडियो कैसा लगा, तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी तक, तो जय हिंद।